आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं MIUI का एक गैलरी ऐप अपने कस्टम रूम के ऊपर यूज कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे ऑक्टावी OS है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरीके से MIUI के गैलरी एप्लीकेशन को किसी भी AOSP बेस्ड कस्टम रूम पे कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने अपने नोट 10 प्रो के अंदर इस कस्टम रूम को डाल रखा है और इस कस्टम रूम के ऊपर मैंने MIUI का जो गैलरी है इसे इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं। और इसका एक वीडियो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले दिया था जिसमें कुछ कमियां भी थी, लेकिन उसे फिक्स करके ये नेक्स्ट अपडेट प्रोवाइड किया गया है। तो आज के वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिए और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है और क्या कुछ यहाँ पे इस गैलरी के अंदर फीचर्स मिल जाता है। और ये जो गैलरी है आपके किसी भी AOSP कस्टम रोम और किसी भी डिवाइस के ऊपर काम करने वाला है, बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि इसमें क्या कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलता है इस MIUI के गैलरी के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज और वीडियो क्लिक करके रख रखा है। तो सबसे पहले मैं फोटोज पे आता हूँ, जहाँ पे अगर मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड एल्बम, कास्ट, स्लाइड शो, रीनेम और डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी सेंड, एडिट, फेवरेट और डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से शेयरिंग पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसके एडिट पे करते हैं तो देखोगे कि आपको ब्लैक बार ही देखने को मिल रहा है, जो कि लेटेस्ट गैलरी में हमें देखने को मिलता था। यहाँ से आप किसी फोटोज को ब्यूटीफाई कर सकते हो, इसे क्रॉप कर पाओगे, तो जितना क्रॉप चाहिए हर एक फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो और जितने भी फिल्टर्स हैं उन्हें आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर पाओगे। तो बस टैप करना है और कुछ ही सेकंड में वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद वो आपके फ़ोन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जिस भी फोटो पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो कई सारे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें ऑफिशियल MIUI के गैलरी में दिखाई देता है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पे मिलता है एडजस्ट का ऑप्शन, जहाँ पे ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और बाकी अदर चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने फोटोज के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग है। और ये है हमारा स्काई का फिल्टर, जहाँ पे कुछ फिल्टर्स को मैंने डाउनलोड कर रखा है जिसके हेल्प से आप स्काई वगैरह को चेंज कर पाओगे किसी भी फोटोज का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाइट के अंदर आते हैं तो इसे भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, बाकी को मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो आप अपने मर्जी अनुसार जिस भी फिल्टर को यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और किसी भी फोटो का जो स्काई है उसे आप चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे इरेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आप किसी फोटोज में कोई भी पार्ट को इरेज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे डूडल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टिकर्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, टेक्स्ट अगर आप डालना चाहते हो तो उसके ऑप्शन मिल जाएंगे, आप फ्रेम लगा सकते हो, और यहाँ पे बाकी अदर इरेज वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं और इनमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड शो वगैरह भी है, जो अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे आते हैं तो आपको एल्बम वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो मैनेज कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके हाइट वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर हम इसके सेटिंग्स पे इन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंक ऑटोमेटिक दिखाई देता है, जो कि हमारे MI क्लाउड से सिंक करेगा, बट ये कस्टम रोम है AOSP बेस्ड, तो यहाँ पे क्लाउड का फीचर्स अभी तक आया नहीं है। तो ये ऑप्शन है, बट इन फ्यूचर में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलता है और यहाँ पे लॉगिन पे जैसे टैप करते हैं ये बैक आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम में MI अकाउंट होता है और कस्टम में तो MI अकाउंट होता नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको भी वर्किंग देखने को नहीं मिलता। नीचे आते हैं तो यहाँ पे व्यू हिडन एल्बम वगैरह जो कि आप हाइड करोगे वो आप यहाँ पे देख पाओगे, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्लाइडिंग का टाइमिंग कितना होना चाहिए, यहाँ पे लूप ऑल स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी फाइल को डिलीट करते हो तो जो इसका रिसाइकल वगैरह होता है वो आपको देखने को मिलेगा रीस्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप करते आपको वीडियो एडिटर, क्लिप्स और फ्री स्पेस, शॉर्ट, लिस्ट व्यू वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से यूज कर पाओगे और अच्छे से काम करता है। अगर हम वीडियो एडिटर पे आते हैं तो 2-3 मैंने वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है, जिसका आप देख पाओगे किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर मैं वीडियो को टैप करूँ, ओके कर दूँ तो ये काफ़ी जल्दी एक्सेस कर लेता है, जबकि ऑफिशियल में थोड़ा सा टाइम लेता है। और यहाँ पे कई सारे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी वीडियो क्लिप के ऊपर, और बाकी चीज़ों का आप डाउनलोड भी कर पाओगे, जो कि मैंने सभी को अभी डाउनलोड नहीं कर रखा है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, कैप्शन डाल सकते हो स्टार्टिंग का और क्रेडिट वगैरह का, साउंड ट्रैक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप डाउनलोड कर पाओगे, और बाकी जो वीडियो का साइज फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, और एडिट करके आप सेव करके सेंड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप कैटेगरी बनाना चाहते हो कई सारे फोटोज का, एक साथ मर्ज करना चाहते हो तो उसके भी अलग अलग आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, लेआउट्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साइज वगैरह का वो भी चेंज आउट है जो यहाँ पे कर पाओगे।
तो ये भी फीचर्स आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत यानी परेशानी नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे आते हैं तो आगे एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आपको देखने को मिलता है क्लिप्स का, तो आप यहाँ पे क्लिप्स वगैरह बना सकते हो अपने कई सारे फोटोज को एक साथ अटैच करने के बाद, जो कि वीडियो के रूप में शो होगा, जहाँ पे आप जो भी चाहो जिस टाइप का म्यूजिक वगैरह डालना चाहते हो ट्रैवलिंग वगैरह का, वो चीज़ आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो भी लगा सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, किसी भी टेम्पलेट को रखना है नहीं रखना है वो सारी चीज़ें, तो मैक्सिमम फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर लेटेस्ट गैलरी से आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो अभी कई सारे फीचर्स मिसिंग है, जो कि डे बाई डे अपडेट के बाद ऐड कर दिया जाएगा। बट अभी के टाइम पे ये जो फर्स्ट अपडेट आया है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और यहाँ से जिस भी फोटोज को आप डिलीट करना चाहते हो ना, ईजी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, जो कि डिलीटेड आइटम में चला जाएगा। अगर हम सेटिंग्स पे आते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है 30 डेज का टाइम भी लग चुका है। अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो आप वापस उसे रिस्टोर भी कर पाओगे, तो अच्छे तरीके से परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो केयरफुली वॉच करें। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने गैलरी को यहाँ पे रिमूव कर दिया है और कहीं पे गैलरी देखने को नहीं मिल रहा है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, जो भी कस्टम रूट डाल रखे हो, उसे रूट करना होगा। और रूट करने के लिए आप लेटेस्ट मैजिक्स मैनेजर का ही यूज करना। रूट कैसे करना है मैंने ऑलरेडी जो बता दिया है। उसके बाद इस आइकन पे आना है, यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करना है। दो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि इनके तरफ से पोर्ट किया गया है, और इन्हें मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और इन्होंने ये जो MIUI का गैलरिया प्रोवाइड किया है, इन फ्यूचर में भी और एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिल जाए MIUI के, जो कि हम कस्टम रोम पे यूज कर पाएंगे। बट अभी स्टिल हमें सिर्फ और सिर्फ गैलरी ऐप ही देखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे ब्राउज करते हैं इंटरनल स्टोरेज को, तो बहुत सारे ऐसे कस्टम रोम है और डिवाइसेज है जिनमें सिर्फ और सिर्फ MIUI का गैलरी ऐप काम नहीं करता है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा कोर ऐप से रिलेटेड। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो MIUI का कोर मैजिक्स मॉड्यूल 2021। सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करके फ्लैश करना है, जो कि 13 MB का है। अगर आपको एरर आता है वन टाइम में तभी इसका यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे ही कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा आपको बैक पे टैप करना है, रिबूट नहीं करना है, फिर से इस आइकन पे जाना है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जाना है। अब ये जो आपको MIUI का गैलरी दिखाई दे रहा है मैजिक्स मॉड्यूल, इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। आप इसे रिकवरी के मेथड से फ्लैश नहीं कर सकते हो, रूट कंपलसरी है, विदाउट रूट के ये पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर आता है रिकवरी मेथड का तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है। अब ये इजी फ्लैश हो चुका है, कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे आपको रिबूट कर देना है। रीस्टार्ट हो जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अब एक गैलरी ऐप आ चुका है, और जब भी आप जो कुछ भी फोटोज वगैरह क्लिक करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और आप देख सकते हो पिन जूम एंड पिन आउट का भी ये शो होने लग गया। तो इस तरीके से काफ़ी इजी तरीके से आप गैलरी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि MIUI का है, किसी भी AOSP के कस्टम रोम के ऊपर। आई होप सो गाइस आपको पूरा डिटेल मिल गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।